हेलो गाइस, मैं हूँ रिजवान जावेद टेक्निकल गुरु चैनल से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईफोन के अंदर पेड गेम्स और पेड एप्स कैसे इंस्टॉल की जाती हैं फ्री। चलें शुरू करते हैं फिर इसको। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र के अंदर आपने google.com जो है वो सर्च करना है। जैसा कि देखें, मैंने गूगल टाइप करने लगा हूँ, google.com। तो ये google.com खुल जाएगा। google.com के सर्च बार में आपने सर्च करना है सीडिया इम्पैक्टर। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा, पहला लिंक आएगा सीडीआई इम्पैक्टर। आपने उसको खोलना है। विंडो यूज़र्स विंडो के लिए करें, मैक यूज़र जो हैं वो मैक के लिए करें, क्योंकि मैं विंडो यूज़र हूँ तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। ये स्टार्ट डाउनलोड हो रहा है, तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे, iphonecake.com पे। जैसे कि iphonecake.com, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिंक खुल चुका है। अब हम सर्च के बारे में लिखेंगे, क्योंकि मैंने फिल्मिक प्रो जो मैंने ऐप डाउनलोड करनी है, देखें डाउनलोड हो चुका है। अब फिल्मिक प्रो मैं सर्च करूँगा, ये खुल चुका है। इसको मिनिमाइज़ करेंगे। दो हैं, मुझे पहला वाला चाहिए तो मैं ये पहला वाला कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं कि $9.99 का ये ऐप स्टोर पर। सर्च भी कर सकते हैं आप, चेक करना आपने। तो अब दो लिंक आएंगे, आपने पहले वाला लिंक करना है, क्योंकि कभी कभार पहला यहाँ लिंक ब्रोक हो या दूसरा लिंक ब्रोक हो, ब्रोकन होता है। अभी तक प्रीमियम और फ्री लिंक जो है उसका आया, आप कैसे देख सकते हैं। इसके ऊपर आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने क्लिक किया फ्री डाउनलोड पे, तो अभी ये ब्राउज़र ले रहा है। अभी ये डाउनलोड फाइल है और ये फाइल का नेम है। अब नीचे इस पर अनटिक करना है जिस पर लिखा हुआ है सिक्योर डाउनलोड मैनेजर, क्योंकि इसको ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको अनटिक करेंगे। इसको अनटिक करेंगे और हम इधर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। देखें ब्राउज़र अभी लोडिंग ले रहा है। अब इधर फाइल जनरेट हुई है। अब नीचे एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड नाउ का ये वाला। इसको आपने डाउनलोड करना है। आप सेव एज लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर चूज़ करूँगा डाउनलोड विद IDM, क्योंकि वो अच्छा है, नेट की स्पीड अच्छी आती है उसमें। तो ये आप देख सकते हैं। हम एक काम करेंगे, सी डी इम्पैक्टर को ओपन करेंगे। इसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विनजिप से या विनआरआर से। अब इसमें आई से सर्च करें, क्योंकि इम्पैक्टर के नाम से मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन इसको खोलेंगे, इस फोल्डर को। सेकंड लास्ट पे देखें इम्पैक्टर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे डबल, ये खुल जाएगा। ये थोड़ा डाउनलोडिंग ले रहा है, क्योंकि स्पीड मेरी नेट की थोड़ी है, थोड़ी कम आ रही है आज, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 2 मिनट के तकरीबन मांग रहा है। जैसे देखें, मैंने अपनी USB इनपुट की है आईफोन को कनेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं नीचे एक कर्सरिंग टाइप चीज़ घूम रही सर्चिंग की।
शायद डिसकनेक्ट होगी वायर, तो ये दोबारा कनेक्ट करेंगे इसको। ये डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं। जैसे ही देखे मैंने भी कनेक्ट किया अपना आईफोन, तो ये खुल गया है, पॉपअप खुल गया उसका आईटून का। एक मिनट के तकरीबन रह गए खत्म होने वाली डाउनलोडिंग। बीस सेकेंड रह गए। जैसे कि देखें डाउनलोड हो चुका है हमारा, जो फिल्मिक प्रो की सीपीयू थी वो डाउनलोड हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आईफोन दोबारा अपना कनेक्ट किया है, मुझे थोड़ा वायर का प्रॉब्लम है, तो पीछे पॉपअप आ गया जैसे आपको लिखा रहा है रिजॉन आईफोन। देखें ये मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया हो, ये आप जो वीडियो आ रही है देखें, ये मेरा कंप्यूटर के साथ लगा हो और ये वायर है, क्योंकि कुछ रीज़न से लोग कहते हैं फेक है वगैरह, तो इसलिए इसकी ज़रूरत। सो हम इसको मिनिमम इसका ओपन करेंगे फोल्डर, इसको सी डी एम पैक्टर खोलते हैं और इसको इसका फिल्मिक प्रो को आपने ड्रैग करना है और इसको सी डी एम पैक्टर के अंदर ड्रॉप करना है। इधर आपका ईमेल एड्रेस लगेगा उसका एप्पल आईडी का, सिर्फ ईमेल एड्रेस। पासवर्ड जो है मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दूंगा, कि क्योंकि आपका जो एप्पल आईडी का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ईमेल एड्रेस तो वही लगेगा लेकिन जो पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा apple.com से जाके साइन इन करके, सिक्योरिटी में जाके एक ऑप्शन आएगा ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड, उस पर जनरेट करना पड़ेगा आपको। वो मैं आपको लिंक इधर डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे कर सकते हैं उसको आप। देखें जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला इधर और जो मेरा पासवर्ड जनरेटेड पासवर्ड था, एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं, एप्पल जो आप आईक्लाउड और आईट्यून स्टोर जो होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं जनरेटेड पासवर्ड। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको दिखाया कि कोई ऐप इंस्टॉल नहीं थी उसमें, पहले से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है। सॉरी मेरा मोबाइल गिर गया जी। जैसे कि ये मेरा पासवर्ड है मेरा जो मैं टाइप कर रहा हूँ,
देख सकते हैं इसने एरर दे दिया, शायद मेरा एप्पल आईडी पासवर्ड मैंने इनकरेक्ट डाला है, कुछ गलती होगी होगी पासवर्ड या आईडी में। तो दोबारा डालेंगे हम, वही स्टेप फॉलो करेंगे कि उसको फिल्मिक प्रो जो हमारी ऐप डाउनलोड हो चुकी है आईपीए, उसको हम ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। मेरे ख्याल से आईडीएम में होगा ये, डाउनलोड मैनेजर में। लेट मी, हाँ जी शायद उसमें होगा, चेक करते हैं उसमें। हाँ जी वो नीचे है लास्ट में, इसको राइट क्लिक करके हम ओपन फोल्डर करेंगे इसको। जी ये देखें, इसको सेम स्टेप वही फॉलो करना है, इसको ड्रैग करना ड्रॉप करना है। ईमेल एड्रेस हम लोग डालेंगे भी इसमें, जैसे मेरा आई डी रिजवान जावेद 86 एट द रेट ऑफ outlook.com। सॉरी ये मैंने सी डाला तो बी डाल .com। ओके हम ओके करेंगे। अब इसमें वो जनरेटेड पासवर्ड डालना है जो था हमारा। उम्मीद है कि इस दफ़ा सही पासवर्ड डाल जाएगा, पिछली दफा की तरह गलती नहीं होगी। जी पासवर्ड डाल के ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि ये अब इंस्टॉलेशन कर रहा है, इसकी पूरी प्रोसेस चलेगा अभी इस प्रोसेस में। अगर ऐसा वार्निंग ऑप्शन आएगा इसमें, यही चीज़ आएगी, तो इसको आपने ओके कर देना है। इस चीज़ से घबराना नहीं है कि मतलब क्या आ गया है क्या नहीं है, ओके कर देना इसको बस। तो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ मिनट्स लेगा ये। जैसे अभी देखें साइनिंग आईपीए आ चुका है, इसके बाद एक्सट्रैक्शन चलेगी, वेरीफाई होगा, फिर इसके बाद ऐप कंप्लीट होगा, ऑप्शन आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितना टाइम ले रहा है वो इंस्टॉलेशन में। देखें अब एक्सट्रैक्टिंग पैकेज आ गया, वेरीफाई हो गया, एप्लीकेशन लास्ट स्टेप पे है हम लोग, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, कंप्लीट हो जाएगी। देखें जैसे कि कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं उधर मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ये मैं इसको मैंने ओपन किया, ये कुछ पॉपअप आते हैं कि अगर आपने एसएस चाहते हैं फोटोज वीडियोज में, तो ये आप देख सकते हैं कि ये चल रही है, कैमरा वगैरह पूरी ऐप है, ये प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के लिए या वीडियोस बनाने के लिए। जी ये थी वीडियो दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा पेज, थैंक यू और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।